गाइस क्या हाल चाल है आपका, ठीक हो? को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब और वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब होप करता हूं। बहुत मेहनत लगती है व्लॉग में, कर दो यार पूरे मन। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल शिवाय ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं भी ओके हूँ, मस्त हूँ एकदम। सो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब रेगुलर आना यूट्यूब पे, अब रेगुलर ब्लॉग्स आए करेंगे, इसकी वजह से यही बोला था मैंने, पर कोई ना, इस बार अब अच्छे से ट्राई करेंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाएंगे। तो एक्चुअली आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट देख सकते हैं आप, अपने घर पे हूँ। और आज का प्लान है मेरा, मैंने आज सुंदरबनी जाना है अपनी मासी के घर। तो आज मैं अकेले बाइक राइड करूँगा, क्योंकि पहले मेरे साथ छोटा भाई भी आता है, मैक्सिमम वो ही रहता है मेरे साथ, कोई भी होता है एक पार्टनर पिलियन राइडर होता है मेरे साथ। पर आज मैं अकेले जा रहा हूँ और जाऊँगा, और आपको रास्ते में अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाऊंगा, कैप्चर करूँगा अच्छी अच्छी मोमेंट्स, क्योंकि यहाँ से सुंदरबनी का रास्ता बहुत ही मज़ेदार है और मेरा फेवरेट ट्रैक है। और मैं मैक्सिमम बहुत बार आया उस रास्ते से, और आज भी जाऊँगा और दिखाऊँगा आपको व्यू। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, होप करूँगा कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो लेट्स गो। कॉमरेड्स, अब मैं निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो ये टी शर्ट पहनी है। हाँ, तो मम्मा का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली वो स्कूल में गया, थोड़ा कोई उनके स्कूल में कोई आए हैं, कोई हायर अथॉरिटीज आई हैं चेकिंग के लिए। सो वो अभी घर पे नहीं है, वो आएंगे, थोड़ी कैश भी तो लेनी है, तो हाँ उनसे थोड़े पैसे भी लेने हैं, फिर जाऊँगा। उनका वेट कर रहा हूँ, उनसे मिलना भी है ना अभी, तो मिल के जाऊँगा, ऐसे चले जाऊँगा, अच्छा नहीं लगता। तो आओ मिलाता हूँ मैं आपको एक बंदे से। ये देखो, देश का भविष्य आप देख रहे हो, बस एक बेड और एक पिलो, एक ईयरफोन्स, तो एक फ़ोन, ये हमारे देश का भविष्य है। और ये पबजी खेल रहे हैं और एकदम सेफ खेल रहे हैं। पोचंकी, बोलना चाहोगे मेरे सब्सक्राइबर्स को? बहुत कम इसको क्या बोला हुआ? इसको ना लाइक शेयर सब्सक्राइब दे, बम्बे की सब कुछ कर दो। वाओ, सागर पॉप के फैन है ये। तो मेरा बैग भी पैक हो गया, तो अब ये लेंगे। और ये मेरा चार्जर है, इसको भी डालना है। तो बड़ा गंद पड़ा है मेरे रूम में, मेरा रूम है तो बहुत ज़्यादा गंदा है। और बाहर थोड़ा सबको दिखाते हैं बाहर का व्यू, आ जाओ। ये मेन दरवाज़ा है यहाँ का, यहाँ से मैं एंटर कर, ये गांव में ना, यो भाई देखो अलग ही फील आता है यहाँ पे, पेड़ ही पेड़ ऊपर भाई, मज़ेदार। ये अमरूद का पेड़ है, ये हमारी टैंकी है, बहुत पुरानी है, सारा पानी यहाँ पर आता है। और ये यहाँ पर पत्थर रखे हैं, क्योंकि हमने अभी वो अपनी चार दीवारी बोलते हैं ना इसको, इसको कंप्लीट कराना है। मम्मा का स्कूल तो एकदम पास नहीं है, घर के साथ में ही है, तो वो वहाँ पे है, उनको मैं अभी बुला भी नहीं सकता, क्योंकि फ़ोन भी नहीं, वो लेके अंदर भाई पबजी कर रहा है। ये कुछ स्कूल है मम्मा का। सो फ्रेंड्स, मम्मा आ ही नहीं रहे थे बाहर से, इनको मैं ज़बरदस्ती लेके आऊँ। चलो अभी थोड़े पैसे ऐसे दो मेरे को, फिर मैं जाऊँ सुंदर बनी। मम्मी कितने पैसे, कितनी कैसे देनी आज मम्मी को? आज बताओ आप एक बात, ये कौन सा इंजीनियर बना के गया था गेट, कौन से, किसने दिमाग लगाया था ये? ये तो देखो ना, मेरे को तो ये फिर एरिया क्यों खाली, यहाँ पे कहाँ गई चार दीवारी बताओ। सो फ्रेंड्स, ये राज है, बहुत ही गहरा राज है इस चीज़ के पीछे, पता नहीं। चलो देखते हैं क्या करते हैं हम आने वाले टाइम में यहाँ पे। हाँ तो आप चलता हूँ मैं आगे जाके, आपको मिलता हूँ भाई। ओ भाई ईयरफोन दे दे यार, दे दे भाई, मैं जा रहा हूँ ना भाई। चलेगा नहीं मेरे साथ? क्यों? तो भाई ये दोस्तों देख रहे हो, एकदम फेस पे भेज देती छोटा भाई, ये कोई मैनर्स, रूम में जाके बनाना ब्लॉग, यहाँ पे मत डिस्टर्ब कर, मैनर्स ही नहीं। देख रहे हो मेरे से 2 साल छोटा भाई, स्माइल देख रहे हो लौंडे की, इधर बात कर रहा हूँ। बदतमीजी इतनी है ना इनमें। निकल गया हूँ मैं अब अपने घर से, अभी मेरे को जाना है नीचे कज़न के घर, क्योंकि उसने मेरी हेलमेट लेके गया था, तो उसके घर से मैं जाऊँगा, पहले हेलमेट लाऊँगा। ये अपनी हेलमेट पूरी, अभी बाइक के साथ इसका कलर मैच करता है, ये ले लिया हमने। मुर्शद जी को बुलाया मैंने, रजत को बाहर आने के लिए, भाई उसे मिल लेते हैं फिर जाते हैं। भाई आ गया अपने मोया, एक कोरिया यूनिवर्सिटी की जिप कमीच उतार दे। अब सोशल लेसन मिलते हुए हमें, भाई एक अमरूद उतार के दे दे अच्छे सा,
देखो इसके घर में अमरूद का पेड़ है, ये हमारा मल्लाड़ी है, ये कुछ कर रहे हैं यहाँ पे पीछे पहाड़ियाँ देखो भाई। रजत चलेगा मेरे साथ? नहीं है ना भाई, ये ऐसा मेरा भाई है ना, मेरे को छोड़ने नहीं जा रहा। देखो अमरूद ही है इसने मेरे को ये। चलो अब आपको ना थोड़ा आगे जाके आपसे बात करते हैं, ठीक है फिर भाई, बाय। कुछ बोल दे इधर वीडियो में। तो दोस्तों अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बारिश है ना जो, इसने मेरी राइड एकदम कैंसिल करा दी है, क्योंकि बारिश ना काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब मैं अभी एक पेड़ के नीचे हूँ, घर तो पास में, वापिस जा भी सकता हूँ, पर मेरे को जाना तो है, पर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो लग रहा है यही है कि बारिश ने आज प्लान कैंसिल करा ही देना है। देखता हूँ कि कितनी देर होती है, होप करूँगा कि आधे घंटे तक ठीक हो जाए, फिर मैं चला जाऊँगा। अगर नहीं होता तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा, कल जाएंगे। चलो देखते हैं क्या सीन बनता है। ओ हाँ, काफ़ी ज़्यादा वेट किया मैंने, अभी आधा घंटा कम से कम वेट किया, तो बारिश अब थोड़ी थोड़ी रुकी है, अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, पर होप करूँगा कि आगे जाके थोड़ा मौसम साफ हो जाए। धूप अभी आ ही गई है, क्योंकि अभी ना थोड़ा मौसम भी रेनी सीज़न है, तो बारिश कभी भी हो सकती है, पर धूप आ गई। होप करूँगा कि राइड सेफ हो जाए, होप करूँगा कि अच्छे से जाऊँगा, और दिखाता हूँ आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू, बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो ये लगी अपनी असॉल्ट, कोई धो के लगाई थी, तो लेते हैं इसको अब। सो हाँ गाइस, तो अभी मैं निकल आया हूँ अपने मार्केट से, बाइक ले ली मैंने, आ गया हूँ आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड की काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं, और अभी मैंने फ़ोन भी होल्ड किया है, तो कुछ व्यू दिखा देता हूँ आपको। तो ये भाई मौसम बहुत ही मस्त हो गया, बारिश हो रही थी और मैं निकल आया हूँ अब। सो आगे की राइड में अब यहीं से स्टार्ट करूँगा, मज़े से जाएंगे और आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखा दूँगा रास्ते में, और मज़ा करो यार। 20 से 25 किलोमीटर की राइड के बाद अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ। ये मेरी सबसे बैकग्राउंड शो रहा था, नीचे से ट्रैक्टर गया सॉरी। तो ठीक है, ये मेरी सबसे बेस्ट लोकेशन है, मेरे को फेवरेट लोकेशन है मेरी, मैं यहाँ पे रुकना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगता है एकदम मैं टॉप पे हूँ अभी, और सब कुछ नीचे है, तो मज़ा आता है इस लोकेशन में मुझे रुक के। और यहाँ पे मैं अपनी हर राइड पे कम से कम 10 से 15 मिनट अवश्य रुकता हूँ, क्योंकि ना वो रात हो दिन हो, मैं यहाँ पे रुकता ही रुकता हूँ। सो अब मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, दिल थाम के बैठ जाए, और ये आने वाला आपके लिए लोकेशन। सो इस सिनेमैटिक को एंजॉय करें। आपको ये व्यू पसंद आया होगा, और मैं सच बोलूँ ना, यहाँ पे एकदम पीस मिलता है कसम से, और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, एकदम शांति है जगह पे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ भी कम चलती हैं, कम आती हैं, क्योंकि इतना मैं कि इधर ट्रैफिक नहीं रहता, एकदम मज़ेदार है, पीस मिलता है। आप यहाँ पे अगर 10 मिनट भी बैठोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो होते ना बेस्ट मोमेंट्स वो हैं, ठीक है। सो मज़ा आता है, यही है, और क्या बताऊं मैं आपको इस लोकेशन के बाद। चलो अब आगे जाके आपको मिलता हूं, और आपको थोड़ा आगे का भी दिखाता हूं भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी लोकेशन है इस रास्ते में। चलो मिलते हैं आपको। यार तो
एक और अपनी फेवरेट लोकेशन पे मैं आ गया हूँ यार, कसम से दिखाना चाहूँ आपको दिखा भी सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं भी दिखा सकता, पर मैं दिखाऊंगा। और ये ना बेस्ट है, बेस्ट बोलते ना बेस्ट, सामने इतना बड़ा पहाड़ और इतनी अच्छी रोड और व्यू अब दिखाना पड़ेगा आपको, सो लेट्स एंजॉय द व्यू। आई होप कि आपको ये व्यू भी पसंद आया होगा, सो कमेंट्स करके बता दें फर्स्ट वाला सही था या ये वाला। और क्या ही बोलूँ, अब मेरे आइडिया में सिर्फ ये दो ही व्यूज़ हैं, तगड़े लगते हैं मुझे यहाँ पे, ये बेस्ट लोकेशंस हैं दो मेरे आइडिया में। और अब आगे तो इधर ही रोड आएगा एकदम, उधर इतने खास तो कुछ है भी नहीं, पर अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा कर्व्स लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कर्व्स हैं और मैं तो लूँगा क्योंकि आई एम अ राइटर। तो अभी रास्ते में आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ, वहाँ पे ना वहाँ पे चौकी है पुलिस की, तो वहाँ पे मेरे को रोक दिया, सो मैं रुक गया। तो वो बोलते बेटा बड़ी स्पीड में थे, मेरे वाला अंकल अगर स्पीड में होता रुकता ही नहीं, तो मैं रुक गया वहाँ पे। सो मेरे को बोलते हैं बाइक से उतरो, अपने कागज लेके आओ, जो भी फॉर्मेलिटीज रहती हैं। सो मेरे को याद आया कि हमारे ताऊ जी की भी यहीं पर ड्यूटी है, तो हमने उनका नाम ले लिया। भाई वो अगला शौक एकदम, भाई बोलते क्या लगते हैं तुम्हारे ताऊ जी हैं मेरे, थोड़ी सी हमने भी यहाँ पे करप्शन करी थी, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया, बोलते बेटा जाओ मजे से जाना, देखता हूँ अब कैसी रहती आगे की राइट। और हाँ, अभी ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है, इसको पूरा अपने एंजॉय करना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, उससे भी काफ़ी लेट हो गया हूँ, तो अब मैं सीधा जाऊँगा और आपको सीधा सुंदरबनी जाके मिलता हूँ। तब तक के लिए स्वैग में रोल ऑन, पूरा देखना ब्लॉग। गाइस मैं पहुंच गया हूं, देखते हैं कौन कौन मिलता है। ये पहले से मेरा वेट कर रहे हैं, आजा भाई आजा, प्लेट लेके थाली पूजा वाली। हेलो भैया। हेलो हेलो, क्या हाल है? ठीक हो? आपका ब्लॉग नहीं है बड़ी देर से, तो जल्दी आने वाला है। ये छोटे भाई मेरे, गाइस के हाल चाल है आपका? ठीक हो? ये स्पेशली इंग्लैंड से बंदा है यार, मेरे से नहीं है। ठीक है, तो और ये हैं, ये हमारी छुंदरी, ये छुंदरी है छुंदरी। साथी हेलो करो, हेलो गाइस कर लो। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गया अपनी मासी के घर, तो थोड़ा दिखाता हूँ आपको बाहर का, बाद में जाके व्यू। ठीक है, सो हाँ फ्रेंड्स मैं पहुंच गया मासी के घर, तो अभी सभी से मिल लिया है, तो अभी छत पे आए उनके, क्योंकि यहाँ पे दीदी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, दिखाता हूँ। दीदी खुद अनपढ़ है, पर उसने तब भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी है, पता नहीं पैसों के लिए पता नहीं क्या कर रही है, बच्चों को फेल कराएगी इस साल, पर होप करूंगा कि अच्छा पढ़ाए। तो बच्चे देखो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पे, और खुद ये बैठ के मिक्सचर खा रही बच्चों के सामने, पर उनको नहीं दे रही है, तो इतने भी लोग भूखे हो सकते हैं मुझे पता नहीं था। तो आओ मैं आपको दो बंदों से और मिलाता हूँ, इनकी एक घंटे का ट्यूशन है और ये छत पे बैठे हैं। गुरु जी क्या हाल है आपका? बस एक ही डायलॉग आता है और कुछ बोलो यार। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब और वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। सो ये मेरा बहुत ही प्यारा भाई है, चंदू भी मेरा बहुत ही प्यारा भाई है, दोनों मेरे अच्छे भाई हैं। तो सो गाइस यही था आज के ब्लॉग में, इतना ही था, सो होप करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो क्या करना आपको पता है, चलो बता दो उनको क्या करना, लास्ट लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, शेयर करो। ठीक है, सो गाइस यही करना आपने, और 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दो, पूरा कर दो। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, होप करता हूँ, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग में, कर दो यार पूरे मन के सब्सक्राइबर। तो सो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए पीस आउट।